हम लोग आगे बढ़ते हैं तो प्रैक्टिस सेट 1.3 से पहले हम लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। ये एक पूरा एक्सरसाइज डिटरमिनेंट के ऊपर है और क्रैमर्स रूल के ऊपर है। तो उसके लिए पहले मैंने एक एग्जांपल लिया है और उसमें ही आपको ये एक सम समझा दूंगा। उसके बाद में सब सम लगभग इसी की तरह सेम ही रहेंगे। तो इफ़ ए बी सी एंड डी आर एनी फोर नंबर्स, द वैल्यू ऑफ ए डी माइनस बी सी इज रिप्रेजेंटेटेड एज ए सी बी डी। ये हम लोगों को लाइन ड्रॉ करके ऐसा इसको शो करना है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इसको किस तरीके से, फॉर सॉल्विंग सम इक्वेशन बाय क्रैमर्स मेथड हैविंग हैव फॉलोइंग स्टेप्स। तो जैसे अभी मैंने फॉर एग्जांपल में यहाँ पे कुछ लिया हुआ है, तो क्या है ये जो इक्वेशन लिया है, 6x-3y = क्या है ये हम लोगों का -10 है, और दूसरा क्या है ये 3x+5y-8 = 0। हम लोग इक्वेशन किस तरीके से लगाते हैं वो आपको मालूम है। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड इसको दे दिया है, और ये -8 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, +8 बन जाएगा, और ये इक्वेशन को 1 और 2 नंबर दे दिया। अब आगे क्या करना है वो समझो आप। तो ये हो जाता है हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करेंगे हम लोग, तो जरा ध्यान दो, a1x+b1y = c1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। फिर उसके बाद में a2x+b2y = c2, ये हो गया तुम्हारा 4th नंबर का। फिर उसके बाद में अब ध्यान दो, अब ये जो a1 है, ये a1 = क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, a1 ये इसके साथ में रिलेट करना है, तो a1 = 6 हो गया, ठीक है। फिर b1 = क्या हो जाएगा हमारा, -3 हो जाएगा, और c1 = हो जाएगा हमारा -10। फिर वैसे ही a2 इसके साथ में, ये पूरे के साथ में a2 b2 और c2, तो हम लोगों को यहाँ पे इसके वैल्यूज़ लिखने हैं। a2 कितना है, 3 है, b2 कितना है हमारा 5, और c2 कितना है हमारा 8, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, स्टेप नंबर 2। अब हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे। तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे डी को फाइंड करना है। तो डी किससे बनता है हमारा, a1 a2 b1 b2 से बना हुआ है। तो a1 के वैल्यूज क्या है वो लिखो यहाँ पे 6, a2 का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स 3, फिर b1 का वैल्यू कितना है -3, और b2 का कितना है 5। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 × 5, बीच में माइनस का साइन आएगा, फिर -3 × 3, तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, और ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 9, 3 × 3 = 9, बट माइनस तो माइनस माइनस, फिर ये कितना आ गया, 39 आ गया। मैं एक सम भी सॉल्व कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको अच्छे से समझेगा। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, स्टेप 4। स्टेप 4 में हम लोगों को क्या लेना है, dx। तो dx में किसका किसका वैल्यू लेना है। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे कैसा है ये मालूम है क्या, ये जो dx है ना, इसमें हम लोगों को जो x की वैल्यू है ना उसको स्किप करनी है। हम लोगों को कौन सा लेना है, तो ये वाला लेंगे हम लोग और ये वाले वैल्यूज लेंगे। तो पहले हम लोगों को क्या लिखना है यहाँ पे, c1। ये तुम्हारा ऐसा नहीं चलेगा कि a1 यहाँ लिख दिया, b1 यहाँ लिख दिया, ये b1 को हम लोग यहाँ लिख के a1 को यहाँ लिखेंगे, नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि फिर वो माइनस प्लस का प्रॉब्लम आ सकता है। तो जो है वो रूल को फॉलो करना है तुमको। तो dx के टाइम पे हम लोगों को x वाले, मतलब a1 a2 को तो नहीं लेना है, तो किसको किसको लेंगे हम लोग, c वाले को लेंगे और b वाले को लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को c1 लेना है और फिर c2 लेना है, फिर उसके बाद में b1 लिया हम लोगों ने और b2 लिया है, ठीक है। तो अब C1 कितना था हमारा, -10 था, C2 कितना है हमारा 8 है, ये रहा। फिर उसके बाद में B1 कितना है हम लोगों का, -3, वो मैंने ले लिया। B2 कितना है मेरा 5। अब वापस से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, -10 × 5 -3 × 8, तो ये कितना हो गया, -50, और ये प्लस हो जाएगा, प्लस कितना है ये 24, तो ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर dx = कितना हो गया ये हम लोगों का, -26 हो गया ये। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है,
स्टेप फाइव में क्या करेंगे हम लोग, जैसे मैंने बोला था वाई का है तो वाई वाले वैल्यूज नहीं लेंगे हम लोग, तो कौन से वैल्यूज लेंगे फ्रेंड्स, तो ए वाले लेंगे और सी वाले, तो यही तुम्हारा रहना चाहिए ए वन ए टू सी वन सी टू, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही तुमको ये लिखना है। यहाँ पे सी वन सी टू ही पहले आएगा, यहाँ पे ए वन ए टू ही पहले आएगा, ठीक है। तो ए वन ए टू हम लोगों का कितना है, सिक्स है, ये देखो ए वन ए टू कितना है हमारा थ्री, सी वन कितना है माइनस टेन और ये एट, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये जिस तरीके से लिखा हुआ है इस तरीके से ही तुमको भी ये शो करना है, उसके बाद में ही ये तुम्हारा बराबर से सम हो पाएगा, नहीं तो फिर अगर ये कॉलम यहाँ पे और ये कॉलम यहाँ पे चला गया तो तुम्हारा माइनस प्लस का प्रॉब्लम आ सकता है। तो सिक्स इंटू एट माइनस माइनस टेन इंटू थ्री, तो अब क्या आएगा ये सिक्स एट जा 48 प्लस हो जाएगा ये, इसका भी माइनस 30, माइनस माइनस प्लस के 30, तो ये कितना हो गया डी वाई इज इक्वल टू तुम्हारा आ गया है 78। अब इसके बाद में हम लोगों को क्या करना है वो जरा ध्यान दो, तो तुमको यहाँ लिखना है बाय क्रेमर्स रूल, तुमने ये क्रेमर्स रूल लिखा, हाँ अब ये हो गया तुम्हारा स्टेप नंबर सिक्स। तो स्टेप नंबर सिक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, ठीक है। तो डी एक्स कितना आ चुका है फ्रेंड्स हमारा माइनस 26 और डी कितना आया था हमारा 39, तो 13 1 13 13 2 26 और ये 3, तो ये माइनस 2 अपॉन 3 आ गया, तो देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3 आ चुका है हमारा फ्रेंड्स। फिर वैसा ही हम लोगों को डी वाई का भी फॉर्मूला लगा के यूज़ करना है, तो डी वाई अपॉन डी, डी वाई कितना आया था हम लोगों को 78 और ये कितना है 39, तो 39 1 39 39 2 78, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो देयर फॉर वाई इज इक्वल टू 2 लिखा हम लोगों ने। लास्ट में हम लोगों को क्या करना है एक्स कॉमा वाई लिख के और फिर यहाँ पे लिखना है माइनस 2 अपॉन 3, 2 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये ऐसा समक्रम को सॉल्व करना है। चलो एक बार हम लोग क्विकली इसको एक बार रिविजन कर लेते हैं, क्या करना है हम लोगों को, ये दो इक्वेशन दिया रहेगा, पहले इनको नंबरिंग कर देंगे, फिर हम लोग ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन, फिर उसके बाद में ए टू एक्स बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू, इसको फोर्थ नंबर देंगे, फिर हम लोग ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू ढूंढ लेंगे यहाँ से। तो A1 हमारा यहाँ पे 6 है ये सब में, ठीक है, फिर A2 हमारा 3 है, B1 कितना है माइनस 3, B2 हमारा 5 है, C1 हमारा 10 है माइनस 10 है और C2 हमारा 8 है। उसके बाद में हम लोगों का स्टेप 2 भी कंप्लीट हो चुका है, स्टेप 3 में क्या करना है वो जरा ध्यान दो, तो D D फाइंड करना है तुमको, तो तुमको X और Y के ही वैल्यू लेने हैं, यहाँ पे ये इक्वल टू के वहाँ वाले साइन नहीं लेने, वो वाले नंबर्स को नहीं लेने, तो A1 A2 हो गया, B1 B2 हो गया, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा स्टेप 3। अब तुम क्या कर रहे हो DX फाइंड कर रहे हो, तो DX फाइंड कर रहे हो तो तुमको यहाँ पे X वाले वैल्यूज नहीं लेने हैं, नहीं लेने हैं तो तुमको क्या लेना है, तो y वाले वैल्यूज लेने हैं और इक्वल टू के बाद वाले नंबर्स को लेना है, तो c1 c2 पहले लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो ये याद रखने के लिए a1 a2 ले लिया, b1 b2 लिया फर्स्ट स्टेप में, फिर डायरेक्टली अब हम लोग c1 c2 लेंगे और फिर वापस से हम लोग b1 b2 लेंगे, ये एक याद रखने का तरीका। फिर अब y के टाइम पे हम लोगों को क्या करना है, y को नहीं लेना है, हम लोग किसको लेंगे x को लेंगे, तो अब b1 b2 आ गया तो अब वापस से a1 a2 आएगा, फिर उसके बाद में ये कॉलम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये y आ गया, फिर ये y का भी हम लोगों ने फाइंड किया, फिर क्रेमर रूल लगाना है x इज इक्वल टू x का किसके साथ में dx dx अपॉन d करने का, y इज इक्वल टू dy अपॉन d, तो इस तरीके से ये सम तुमको सॉल्व करना है, एकदम ईजी है। हम लोग 1.3 एक्सरसाइज शुरू करेंगे।